हाय गाइस, आई एम स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल स्नेहा ट्रिक पॉइंट। आज मैं करने वाली हूँ हैंड पेंटिंग। यस गाइस, आज मैं मेरे हाथों पे रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने वाली हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो हियर इज माई हैंड एंड टूडे आई एम यूजिंग एक्रीलिक कलर्स, क्योंकि मेरे पास यही है और मुझे पता है कि इससे मेरे हाथों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इससे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और आधा टाइम तो ये पेंट मेरे हाथों पे बालों पे लगा रहता है। सो ये एंड दिस इज माई कलर पैलेट। इसको मैंने जन्मों जन्मांतर के बाद साफ किया है। अब मैं ले रही हूँ ये बर्न्ट सियाना कलर और इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर को यूज कर रही हूँ। मैं यार आज पहले से ही कुछ भी नहीं रिवील करने वाली कि आज मैं क्या बना रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखो, रिजल्ट तो आपको एंड पे ही पता चलेगा। और ये मैं मजाक कर रही हूँ गाइज, मैं खुद ही स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताती जाऊँगी आपको और बाकी तो आपके सामने ही है। एंड आई नो कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ये गेस कर लिया है कि मैं क्या बना रही हूँ। एंड यू गेस्ट इट राइट, मैं यहाँ पे एक स्नेक बना रही हूँ। और उसके लिए पहले मैं जो भी बॉर्डर वगैरह है उससे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेनी थी, तो मैंने आज भी हमेशा की तरह आंखों से शुरुआत किया। और मैं आज जो भी जैसे भी बना रही हूँ उसके लिए मैंने पहले से ही रफ स्केच नहीं बनाया था। आज मैं डायरेक्टली कलर्स को अप्लाई करती जा रही हूँ। पर अगर आपको लगे कि नहीं यार एक रफ स्केच पहले बनाना ज़रूरी है, देन आप डेफिनेटली पहले रफ स्केच बनाइए, उसके बाद कलर्स को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और एक जरूरी बात, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, कि आप हाथों पे आउटलाइन करते टाइम पेंसिल का यूज नहीं कर सकते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कमिंग बैक टू द आर्ट वर्क, अब मैंने ब्लैक, व्हाइट और बर्न्ट सियाना को मिलाकर एक अजीब सी कलर बनाई है एंड इस कलर को लेके मैं स्नेक की स्किन को कलर कर रही हूँ। और पता है यार, मुझे बचपन से सांपों से इतना डर लगता है कि मैंने आज तक सांप का एक भी ड्रॉइंग नहीं बनाया। और मैं फिर से मजाक कर रही हूँ गाइस, चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं एक जूलॉजी स्टूडेंट हूँ और सांपों से, कीड़ों मकोड़ों से तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही याराना लगता है। और सच बताओ तो यार, मेरे प्रैक्टिकल के नोटबुक्स और रफ कॉपी में बस कीड़े मकोड़े और सांप ही पड़े हुए हैं। और मेरी लाइफ में भी कुछ रिलेटिव्स कंट्रोल। एनीवे, अब मैं ऑरेंज कलर को लेकर थोड़ी सी कंट्रास्ट ऐड कर रही हूँ और अभी तक तो ये बहुत ही ज्यादा बकवास दिख रहा है, बट डोंट वरी गाइस, इसे हम जरूर फिक्स कर लेंगे आगे। और यार मुझे इस टाइम पे मेरी स्किन के ऊपर एक अजीब सी ड्राइनेस फील हो रही है। और मुझे पता है कि इससे मेरे हाथों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। एंड आई थिंक ये पेंट सूखने की वजह से हो रही है। बाय द वे, आज हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, पर आज तो मैं इसे कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। और अगर आपको मेरी पेंटिंग प्रोसेस अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो, क्योंकि यार आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते, तो फिर मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी ये बताओ मुझे। एनीवे, अब मैं ये प्यारा सा येलो कलर को लिया है और इससे मैं हाईलाइट वाईलाइट ऐड कर रही हूँ। हाईलाइट वाईलाइट ऐड कर रही हूँ। हाँ, हाईलाइट तो समझ गई, पर वाईलाइट क्या होता है भाई? ये मेरी भाषा है और इसका कोई मतलब नहीं है। बाय द वे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है कमेंट करके बताओ। अब मैं इसी येलो कलर के साथ थोड़ा सा ऑरेंज कलर को मिक्स किया है इसको टोन डाउन करने के लिए, और इसी कलर को यूज करके मैं स्नेक के स्किन के जो टेक्सचर है उसे ऐड कर रही हूँ। स्किन की टेक्सचर बोले तो स्केल वगैरह जो है मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखे। मैं ऐसे डॉट डॉट करते हुए ही स्किन के पूरे टेक्सचर को ऐड करती जाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि इन डिटेलिंग्स को ऐड करने के बाद ही ये सांप सांप जैसा लगने लगा है। और आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया व्हाइट कलर और उससे भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स को ऐड किया। बेसिकली मुझे जहाँ जहाँ लग रही है कि ये जगह थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखना चाहिए, वहाँ मैं व्हाइट कलर को लेकर हाईलाइट ऐड कर रही हूँ। और यार इसी व्हाइट कलर को मैंने आँखों पे भी अप्लाई किया है, मतलब मेरी नहीं, इस स्नेक की आंखों पे। और फिर मैं डिटेलिंग्स के ऊपर डिटेलिंग्स को ऐड करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी। और हमारी पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और एंड पे इसका एक रियलिस्टिक शूट भी है, मतलब मैंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है थोड़ी बहुत, तो उसे ज़रूर देखना और बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।